मुस्लिम, हमारे पास देश में और भी मुद्दे हैं। मैं भी हिंदू हूँ, मुझे इस बात का बहुत फख्र है कि मैं हिंदू हूँ, पर एट द सेम टाइम मुझे शर्म आती है खुद को हिंदू बताते हुए। और ऐसा क्यों? क्योंकि बार बार मेरे वो सो कॉल्ड हिंदू लोग जो मुसलमानों को नीचा दिखाने के लिए बार बार ऐसी हरकतें करते हैं जिससे ये कहने में शर्म आती है कि मैं एक हिंदू हूँ। अरे कैसे शर्म नहीं आएगी यार, हिजाब को लेकर आप लोग विरोध कर रहे हो। अगर लड़की पर्दे में है तो उसकी क्या गलती है? अगर लड़की छोटे कपड़े पहनती है तो यही वो लोग हैं जो सबसे पहले सवाल उठाते हैं कि लड़की ने छोटे कपड़े पहने थे इसलिए उसका रेप हुआ। लड़की अगर ब्रा या पैंटी में चलती है तो उसका रेप हुआ। अगर लड़की हिजाब में चलती है तो आप लोगों को इस बात से क्यों तकलीफ है? क्यों तकलीफ है आखिर इस बात से? यार उन्हें सिखाया यही गया है, उनके धर्म में ये चीज अपनाई गई है। अगर उस लड़की को हिजाब पहनने से दिक्कत नहीं है तो ये हिंदूवादी खुद को बताने वाले, राम भक्त बोलने वाले, अरे तुम्हें किसने हक दिया है एक लड़की पर ये इस तरह से पूरी भीड़ इकट्ठा करके एक लड़की को डराने का? लड़की मैं भी हूँ और फक्र के साथ उस लड़की होने का प्राउड करती हूँ कि उस लड़की ने इतनी भीड़ में जो साहस और हिम्मत दिखाई है, सैल्यूट है उस लड़की को। यार तुम उस हर लड़की के लिए इंस्पिरेशन हो जो लड़की सामने आने से, बात करने से डरती है। अरे तुम खुद को राम भक्त बताते हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अरे काई के राम भक्त हो यार तुम, केवल रोड पर श्री राम के नारे लगाने से हिंदू काटे जाने से, मुस्लिम काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे जैसे नारे लगाने से तुम हिंदू और राम भक्त हो जाओगे? सीरियसली, आर यू किडिंग? नो ब्रो नो, नहीं होने वाले आप राम भक्त। कौन सा तुमने भगवत गीता पढ़ा है जहाँ ये बोला गया है कि दूसरे धर्म की महिलाओं को, दूसरे धर्म को नीचा दिखाओ और खुद को ऊपर लेकर आओ? तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें शायद यही सिखाया होगा कि अपना धर्म अपना है और दूसरों का धर्म नीचा है, यही सिखाया ना तुम्हें? सवाल उस सरकार पर उठाती हूँ जो बार बार चुनाव से पहले हिंदू मुस्लिम करती है। अरे क्यों भाई, रोजगार के मुद्दे पर आके लड़ो ना चुनाव। क्यों तुम्हारा चुनाव से पहले ये हिजाब, ये हिंदू मुस्लिम, ये नारे तुम्हें तकलीफ देते हैं? क्यों देते हैं? अगर 100 की भीड़ में वो बंदा जय श्री राम के नारे लगा सकते हैं तो ये एक लड़की खड़ी होकर अल्लाह हू अकबर क्यों नहीं कर सकती है? क्या तुम्हें हक है कि सिर्फ तुम जय श्री राम के नारे लगाओगे? क्या मुसलमानों को हक नहीं है अल्लाह हू अकबर कहने का? तो कटवा के बना दूं उन्हें हिंदू, तुम्हें इतनी प्रॉब्लम है उनके मुसलमान होने से, तो बनवा दूं उन्हें हिंदू या उन्हें धक्के मारकर इस देश से निकाल दो। क्यों गाते हो सेक्युलरिज्म का नारा? क्यों लगाते हो सेक्युलरिज्म का नारा जब तुम्हारे देश में ही एक धर्म को नीचा दिखाया जाता हो बार बार? कहाँ है वो भाजपा के नेता? हमारे भाजपा के जो नेता हैं कर्नाटक के सीएम, क्यों चुप्पी साधे बैठे हैं आप? अब महिलाओं की सुरक्षा नहीं याद आई, अब महिलाएं नहीं याद आई, अब आपकी सरकार सबका साथ सबका विकास पर बात नहीं करेगी? किस बात का डर सता रहा है आपको? जवाब दीजिए ना, कहाँ है स्मृति ईरानी? अरे क्यों भाई, रोजगार के मुद्दे पर आके लड़ो ना चुनाव। क्यों तुम्हारा चुनाव से पहले ये हिजाब, ये हिंदू मुस्लिम, ये नारे तुम्हें तकलीफ देते हैं? क्यों देते हैं? अगर 100 की भीड़ में वो बंदा जय श्री राम के नारे लगा सकते हैं तो ये एक लड़की खड़ी होकर अल्लाह हू अकबर क्यों नहीं कर सकती है? क्या तुम्हें हक है कि सिर्फ तुम जय श्री राम के नारे लगाओगे? क्या मुसलमानों को हक नहीं है अल्लाह हू अकबर कहने का? तो कटवा के बना दूं उन्हें हिंदू, तुम्हें इतनी प्रॉब्लम है उनके मुसलमान होने से, तो बनवा दूं उन्हें हिंदू या उन्हें धक्के मारकर इस देश से निकाल दो। क्यों गाते हो सेक्युलरिज्म का नारा? क्यों लगाते हो सेक्युलरिज्म का नारा जब तुम्हारे देश में ही एक धर्म को नीचा दिखाया जाता हो बार बार? कहाँ है वो भाजपा के नेता? हमारे भाजपा के जो नेता हैं कर्नाटक के सीएम, क्यों चुप्पी साधे बैठे हैं आप? अब महिलाओं की सुरक्षा नहीं याद आई, अब महिलाएं नहीं याद आई, अब आपकी सरकार सबका साथ सबका विकास पर बात नहीं करेगी? किस बात का डर सता रहा है आपको? जवाब दीजिए ना, कहाँ है स्मृति ईरानी? कहाँ है मीनाक्षी लेखी? कहाँ है निर्मला सीतारमन जो राहुल गांधी पर एक सवाल खड़ा करने में पीछे नहीं हटती हैं? अपनी इज्जत अपनी और दूसरों की इज्जत इज्जत नहीं है क्या? अरे बात कीजिए ना हिंदू मुस्लिम पर, क्यों नहीं आके सामने से हिंदू मुस्लिम करते हैं? क्यों हर बार चुनाव से पहले उन गुंडों को छोड़ देते हैं जो आपका काम करते हैं? इतना ही शौक है ना लड़ने का तो सामने आकर लड़िए ना, क्यों पीठ पीछे वार करते हैं? किस बात का खौफ है? भाजपा के अंधभक्त तो वैसे ही सीना ताने खड़े रहते हैं। महिलाएं सुरक्षित है, मैं चुनावी दौरा कर रही हूँ, आप लोग मानेंगे नहीं, इतने अंधभक्तों से टकराए जो कहते हैं आप यहाँ खड़ी है ना तो आप यहाँ सुरक्षित है। ये सुरक्षित, ये है सुरक्षा, ये है तुम्हारा सुरक्षित राज्य, तुम्हारा शहर, तुम्हारा देश, जहाँ हिजाब पे तुम सवाल उठा रहे हो, हिजाब पहनने पे सवाल उठा रहे हो, लड़की के शॉर्ट्स पहनने पर भी तुम ही सवाल उठाते हो, लड़की के हिजाब पहनने पर तुम ही सवाल उठाते हो। तुम्हें कौन हक दे रहा है यार? हक तुम्हें किसने दिया है? संविधान में तो ये हक लिखा नहीं है कि किसी रिलीजन को छोटा दिखाओ, किसी लड़की को नीचा दिखाओ, किसी धर्म को नीचा दिखाओ। तुम्हें राइट दिया है उस सरकार ने जिसको तुम वोट दे रहे हो। तुम्हारे पे बंदूक चला के सरकार सत्ता में आ रही है और ये सरकार तब तक इस नीचपन पे आएगी जब तक तुम जैसे अंधभक्त उनका साथ देते रहोगे और हिंदू मुस्लिम करते रहोगे। आज तो केवल हिजाब पे हुआ है सवाल खड़ा, आने वाले वक्त में देखो ना जाने कितने मुद्दों पर सवाल खड़े उतरेंगे। महिलाओं का घर से निकलना ना बंद कर देना यार, कुछ दिनों में तो ऐसा ना हो कि अरे देखो हिंदू मुस्लिम लड़की घर से कैसे बाहर निकल रही है, उसको घर के अंदर डालो। क्योंकि वो मुसलमान है ना, वो पढ़ नहीं सकती, वो कॉलेज नहीं जा सकती, और तुम हिंदू हो ना
तो तुमने तो दुनिया में बहुत अपना नाम रोशन किया। केवल जय श्री राम के नारे लगाने से, केवल खुद को महादेव का भक्त बताने से ना, तुम इस दुनिया के महापुरुष नहीं हो जाओगे। उन सभी वीडियो देखने वाले लोगों को मैं एक सवाल आखिरी में करना चाहूंगी, अगर हिंदू मुस्लिम करने से इस देश का विकास हो रहा है तो मैं कहती हूँ हर रोज हिंदू मुस्लिम करो, करो हिंदू मुस्लिम। आज तो एक लड़की को शिकार बनाया है, 10 लड़कियों को शिकार बनाओ। अरे शर्म करो यार, नीचपन की भी हद होती है, और कितना गिरोगे तुम लोग। शर्म करना और थोड़ा सोचना अपने बारे में कि जिस सरकार के लिए काम कर रहे हो, आने वाले वक्त में इससे बुरा